हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इसका मैं कॉमिक्स इजी है। मैं हूं आपका अपना शिवम और आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं अपने पास वो टॉपिक जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये वो स्टेप्स होते हैं जिनसे हम ट्रेड करते हैं, जिनसे हम व्यापार करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको कोई ऐसी चीज बताऊं, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा कैपिटल मार्केट होता है, जो लॉन्ग टर्म पे हमारी इन्वेस्टमेंट्स को करवाता है, उसके अंदर हमारे दो मार्केट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। दोस्तों याद है, प्राइमरी मार्केट जब हम फर्स्ट इशू निकालते थे, सेकेंडरी याद रखना, सेकेंडरी मार्केट को हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं। लास्ट वीडियो में बताना भूल गया था, स्टॉक मार्केट बोला जाता है सेकेंडरी मार्केट को। और स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर सिक्योरिटीज की खरीद और बेच की जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं उस टॉपिक के साथ जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, दैट इज स्टेप्स इन द ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट। जब भी हम शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं तो वो कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जो हमें फॉलो अप करने पड़ते हैं शेयर्स की ट्रेडिंग करते टाइम। तो इससे पहले कि मैं आपको ये सारे स्टेप्स बताऊं, आपके दिमाग में एक मैं फ्रेमवर्क बनाना चाहता हूं, जिस फ्रेमवर्क के बेस पर आपको ये सारे स्टेप्स याद हो जाएंगे। तो चलिए, वो फ्रेमवर्क क्या है वो देखते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लो ये वो पर्सन है जो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है स्टॉक मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, शेयर्स में या सिक्योरिटीज में ये अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। तो ये वो पर्सन है, ये हमारा इन्वेस्टर है। ये कौन है बताओ? ये हमारा इन्वेस्टर है जो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। अच्छा, ये इन्वेस्टर अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करना चाहता है? ये अपना पैसा एक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, एक रेप्यूटेड कंपनी में ये अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है। और मान लेते हैं इस कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये अपने पैसे को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में लगाना चाहते हैं। तो वो तभी लगाएगा जब कंपनी को पैसों की जरूरत होगी, यानी कि जब कंपनी अपने इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज को निकालना चाहेगी या इश्यू ऑफ शेयर्स को निकालना चाहेगी, तभी तो एक इन्वेस्टर उसमें पैसा इन्वेस्ट करवा पाएगा। तो ध्यान देना, ये आप लोगों और ये कंपनी है, आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो कंपनी में। तो क्या होता है, यहां से यहां के बीच में ना कई सारे लोगों की कड़ियां बनती है, तब जाके आप कंपनी तक पहुंच पाते हो। क्योंकि आप सीधा जाओगे कंपनी के पास कि हमें शेयर दे दो, तो कंपनी तो अपना मेन काम कर रही होगी। कंपनी का ये काम थोड़ी है कि कोई भी इन्वेस्टर आएगा और वो कहेगा शेयर दे दो और हम उसे दे देंगे। तो क्या होता है, ये अपनी इस पूरी बागडोर को डिपॉजिटरी को दे देती है, ये अपनी पूरी इस बागडोर को डिपॉजिटरी के हाथों सौंप देती है। अब ये जो डिपॉजिटरी होता है, ये क्या होता है? डिपॉजिटरी एक ऐसी जगह होती है जहां पर कंपनीज के सारे शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली रखा जाता है, कंपनीज की सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने वाले इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या होता है? डिपॉजिटरी। अब जो ये डिपॉजिटरी है, ये दो है हमारे पास, एक हमारा NSDL और दूसरा हमारे पास है CDSL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। NSDL की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। CSDL की क्या है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। तो हमारे पास एक डिपॉजिटरी है जो NSDL और CDSL के नाम से है। ये डिपॉजिटरी क्या करती है? कंपनी की जो सिक्योरिटीज होती हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास रखती है। ये सारी सिक्योरिटी कंपनी किसको दे देती है? डिपॉजिटरी को दे देती है, और डिपॉजिटरी उन सिक्योरिटी को अपने पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है। अब क्या आते हैं हमारे पास, अगली कड़ी आती है, दैट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो लोगों के पैसों को इन्वेस्ट करते हैं डिपॉजिटरी के पास। और ये लोग कौन कौन से होते हैं आप जानते हो? ये हमारी बैंक्स होती हैं, जो हमारी कॉमर्शियल बैंक्स होती हैं, जैसे आपकी SBI बैंक होगी, पंजाब नेशनल बैंक होगी, देना बैंक हो गई, मिथुट फाइनेंस हो गई। ये वो बैंकें होती हैं जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के रूप में काम करती हैं। और कौन कौन होते हैं इसमें? इसमें और होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसमें और भी आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो क्या करते हैं, आपने सुना होगा कि कुछ बैंक होते हैं, जैसे ICICI बैंक है, IDBI बैंक है, HDFC बैंक है, ये ऑफर करती हैं कि आप SIP प्लान ले लो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ले लो, मतलब आप हमें पैसा दो, हम आपके पैसों को आगे इन्वेस्ट करेंगे अलग अलग प्लान के अंदर। तो वो क्या करती है, इन्वेस्टर से पैसा लेती है। तो जो ये बैंक होती है, ये बैंक कौन सा रोल प्ले कर रही है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के रूप में रोल प्ले कर रही है।
अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, क्योंकि अब मैं आपकी एक सीक्वेंस बनाने जा रहा हूं। इतना अगर टॉपिक क्लियर है तो आगे की सीक्वेंस और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी आपको। अगर एक इन्वेस्टर कंपनी में पैसा लगाना चाहता है तो वो डायरेक्टली पैसा नहीं लगा सकता, उससे पहले रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को कि मैं अपना पैसा तुम्हारे चैनल के थ्रू कहां लगाना चाहता हूं, कंपनी में। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोलेगी तुम अपने आप को पहले कनेक्ट करो डिपॉजिटरी के साथ। तुम अपने आप को किससे कनेक्ट करो, डिपॉजिटरी के साथ, जिससे तुम ऑनलाइन चीजों को ट्रांसफर कर सको। किसके थ्रू करोगे अपने आप को कनेक्ट, वो होता है डीमैट अकाउंट। वो बताओ क्या होता है डीमैट अकाउंट होता है, यानी डीमैट अकाउंट के थ्रू एक इन्वेस्टर किससे जुड़ जाता है, डिपॉजिटरी से जुड़ जाता है। किससे जुड़ जाता है, डिपॉजिटरी से जुड़ जाता है। तो ये रिक्वेस्ट करता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को कि मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोलता है पहले आप अपना क्या खुलवाओ, डीमैट अकाउंट खुलवाओ। जैसे आप डीमैट अकाउंट खुलवाओगे आप किससे रजिस्टर्ड हो जाओगे, किससे जुड़ जाओगे, डिपॉजिटरी से। फिर चाहे वो NSDL हो चाहे CDSL हो, आप इन दो में से किसी पे एक बार रजिस्टर्ड हो जाओगे। अब आप इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स परचेज कर सकते हो। अब क्या होगा, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डिपॉजिटरी को रिक्वेस्ट करेगा, ये रिक्वेस्ट करेगा कि कस्टमर की डिमांड पे इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को बाय करो, परचेज करो। फिर ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट रिक्वेस्ट डालेगा कंपनी को। अब वैसे कंपनी को भी नहीं डालेगा, कंपनी के तो सारी सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इसके पास खुद के पास हैं। ये वो सिक्योरिटी इसको देगा, फिर ये सिक्योरिटी इस तक पहुंचाएगा। तो ये एक पूरी सीक्वेंस होती है जहां एक इन्वेस्टर अपने पैसों को कंपनी में इन्वेस्ट करता है या वो सोल्ड आउट करता है। इन्वेस्ट करें या डिसइन्वेस्टमेंट, बात एक है। इन्वेस्टमेंट मतलब परचेज करना, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सेल करना। तो एक बार फिर से समझे पूरी बात को। हमने देखा इन्वेस्टर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को रिक्वेस्ट करेगा कि मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोलेगा तुम अपने आप को डिपॉजिटरी से कनेक्ट करो थ्रू ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट। अब डीमैट अकाउंट से आप कोई भी ट्रेडिंग करोगे, अब डिपॉजिटरी के पास सारे शेयर्स हैं जो कंपनी के पास होते हैं, वो सारे शेयर कंपनी किसको देती है, डिपॉजिटरी को, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब इसके पास सारे शेयर हैं, ये अब इसके साथ डील करता रहेगा। दोस्तों ये पूरा चैनल होता है जैसे हम शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। लेकिन अब मुद्दा ये होता है कि जब हम शेयर्स में ट्रेडिंग करेंगे तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, हमें सेकंड काम क्या करना है, हमें थर्ड काम क्या करना है, हमें फोर्थ काम क्या करना है। यानी अब हम बात करने आ रहे हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ट्रेडिंग। तो वही हमारा टॉपिक है, स्टेप्स इन द ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट। तो पहला पार्ट है ट्रेडिंग का, फिर सेटलमेंट मतलब लेन देन की बात होगी। तो सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओगे, इस वाले एग्जांपल को बेस मान के चलना, ठीक है। इस वाले एग्जांपल में पहले मैं आपको एक सीक्वेंस बता दूं। जो ये इन्वेस्टर है ये नंबर वन सीरीज पर आएगा, डीमैट अकाउंट नंबर टू पर आएगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट नंबर थ्री पर आएगा, डिपॉजिटरी नंबर फोर पर आएगा और कंपनी नंबर फाइव पर आएगा। तो ये एक प्रॉपर सीक्वेंस हो गई है। अब इस सीक्वेंस को ध्यान में रख के आप ये स्टेप्स याद करना। सबसे पहले इन्वेस्टर एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को पकड़ेगा, और जानते हो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को हम बोलते हैं ब्रोकर। क्या बोलते हैं, ब्रोकर। एक रजिस्टर्ड ब्रोकर को ये रिक्वेस्ट करेगा कि मैं सिक्योरिटीज को खरीदना या फिर बेचना चाहता हूं। तो वही हमारा स्टेप वन है, इन्वेस्टर अप्रोच अ रजिस्टर्ड ब्रोकर फॉर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग खरीदने और बेचने के रिगार्डिंग वो सबसे पहले किसको रिक्वेस्ट करेगा, एक रजिस्टर्ड पर्सन को करेगा, रजिस्टर्ड ब्रोकर को करेगा, राइट। सेकेंड स्टेप, द इन्वेस्टर हैज टू ओपन डीमैट अकाउंट। अब याद है पहले इसने रिक्वेस्ट बोली, फिर रिक्वेस्ट किया, इसने क्या खोला अपना डीमैट अकाउंट खोला। डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें शेयर्स की खरीद और बेच की डीलिंग की जाएगी और कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर। द इन्वेस्टर हैज टू ओपन अ डीमैट अकाउंट विद अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब आपको ये लाइन समझ आई इससे कि इन्वेस्टर ओपन करेगा डीमैट अकाउंट किसके पास, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू डिपॉजिटरी के पास। थर्ड, प्लेस एन ऑर्डर। अब जब सारी चीजें हो गई तो अब वो पर्सन ऑर्डर प्लेस करेगा। ऑर्डर कैसे प्लेस करेगा, वो बोलेगा कि इस पर्टिकुलर कंपनी के जब शेयर के प्राइस 500 रुपए हो जाए, एग्जांपल मान लो अभी 550 चल रहे हैं, 550 रुपीस पर शेयर प्राइस चल रहा है, वो कहेगा जब शेयर की प्राइस 500 रुपए हो जाए तो मेरा ऑर्डर प्लेस कर देना, उसने रिक्वेस्ट करी। तो ये लिखा हुआ है प्लेस एन ऑर्डर टू बाय एंड सेल ऑफ शेयर विद ब्रोकर्स। ब्रोकर को उसने रिक्वेस्ट किया कि इस प्राइस पर जब आपको मिल जाए प्राइस तो मेरे शेयर को बेच देना या खरीद लेना। फोर्थ, एग्जीक्यूट एन ऑर्डर। जो आपने ऑर्डर प्लेस किया उस
ऑर्डर के बिहाफ पे अब ये जो डिपॉजिटरी है ये क्या करेगा, ये जो ब्रोकर है ये क्या करेगा, देखेगा कि वो प्राइस कब होगा जिस प्राइस पे आप अपनी सिक्योरिटीज को खरीदना या बेचना चाहते हो आपके बताए हुए ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो ये क्या करेगा, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग करेगा। अब स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग करेगा, देखेगा कि कंपनी के शेयर के प्राइस आपके बताए हुए प्राइस पर जैसे आ रहेगा वैसे ये सिक्योरिटीज को तो खरीद लेगा, अगर आपने खरीदने को बोला तो खरीद लेगा, बेचने को बोला तो बेचने का ऑर्डर प्लेस कर देगा। राइट, नंबर 5, ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप। अच्छा, जब एक पर्टिकुलर टाइम पर आपकी बताई हुई प्राइस आ जाएगी तो वो क्या कर देगा, आपकी सिक्योरिटीज को बेच या खरीद लेगा, तो एक कंफर्मेशन स्लिप निकलती है वहां से। तो वही बोला गया ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप, जो कौन देगा, ब्रोकर देगा। किसको देगा, अपने इन्वेस्टर को देगा कि देखो तुम्हारे बताई हुई चीजों पर मैंने ये काम किया है और ये रहा उसका एविडेंस, किस प्राइस पे किया, किस कंपनी के कितने शेयर परचेज किए, वो पूरा एक पेपर पे लिख कर देगा, जिसको क्या बोलते हैं ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप, जो कौन इशू करता है, ब्रोकर इशू करती है। नेक्स्ट, विद इन 24 आवर आफ्टर द डील इज एग्जीक्यूटेड द ब्रोकर इशूड कॉन्ट्रैक्ट नोट। अच्छा, 24 घंटे हो जाने के बाद अगर कोई ट्रेड मैंने आज मंडे को किया है तो ट्यूजडे को यानी 24 घंटे के बाद जो ब्रोकर है वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएगा आपसे, जिसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट। उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में लिखा होता है कि आपने जो काम किया है क्या वो अपनी पूरी समझदारी के साथ किया है या नहीं किया, आपको उस पर एक साइन करना होता है। क्या मतलब होता है इसका, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बिहाफ पे कोई और ट्रेडिंग कर रहा हो, ये जरूरी है कि जो ट्रेडर है वही ट्रेडिंग करे, ये होता है। तो वही लिखा हुआ है विद इन 24 आवर आफ्टर द डील इज एग्जीक्यूटेड द ब्रोकर इशूड कॉन्ट्रैक्ट नोट। ब्रोकर क्या इशू करेगा, कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करेगा। नेक्स्ट, इन्वेस्टर हैज टू पे कैश बाय T+2 days। अच्छा, ये T+2 का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुना, टी इंडिकेट द ट्रांजेक्शन, टी का मतलब होता है ट्रांजेक्शन और आगे जो लिखा हुआ है टू, दिस इज कॉल्ड डेज। तो ट्रांजेक्शन जिस तारीख को किया उस तारीख के बाद का जो दूसरा दिन होगा उस दिन आपको वो कैश पे करना पड़ेगा। अब क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन मंडे को किया है, यानी मंडे आपका टी है, मंडे के बाद क्या होता है आपका ट्यूजडे आता है, इसके बाद क्या होता है वेडनेसडे, तो वेडनेसडे के दिन आपके अकाउंट से जो पैसे होंगे वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, कट जाएंगे। उस दिन नहीं, जिस दिन ट्रांजेक्शन की T+2 सेकंड डे कटेंगे, बीच में कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, क्लीयरिंग हाउस के प्रोसीजर्स होते हैं। तो वही लिखा है इन्वेस्टर हैज टू पे कैश बाय T+2 पे इन अ डे, क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द T+2 days कैश विल बी पेड, वो क्या हो जाएगा, पेड हो जाएगा। द अमाउंट ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, अच्छा ये जो अमाउंट ट्रांसफर होगा ये डीमेट अकाउंट के थ्रू होगा, डीमेट अकाउंट बोले तो ऑनलाइन मोड के थ्रू होगा। अब जब पैसा पहुंच गया है T+2 days पर, तभी जैसी पैसा जाएगा अकाउंट से आपके डीमेट अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट करेगा नंबर ऑफ शेयर जो आपके बढ़ गए हैं। जैसे आपके अकाउंट से पैसे जाएंगे वो दिखा देगा डीमेट अकाउंट में कि आपके अकाउंट के अंदर इतने शेयर्स की ट्रेडिंग प्लस हो गई है। ये तो था बात खरीदने की, बेचने वाला भी सेम यही प्रोसेस अपनाएगा, बस बेचने वाला का क्या होगा, पहले वो अपने शेयर्स को देगा T+2 days में, इसके बाद उसके पास पैसा आएगा। तो ये वो तरीका होता है जो कहलाता है स्टेप्स इन ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट। दोस्तों ये बात याद रखना कि एक इन्वेस्टर पहले वो अपने आप को किससे हेल्प मांगने आता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिर वो डिपॉजिटरी से उसे लिंक कराने के लिए कौन सा अकाउंट खुलवाता है, डीमैट अकाउंट खुलवाता है। डिपॉजिटरी कितने होते हैं, NSDL और CDSL, NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, सी फॉर सेंट्रल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, क्लियर। अब ये वो एजेंसी होती है जो सभी कंपनियों के, जो अच्छी अच्छी कंपनी है उन कंपनियों के सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास रखती है ताकि वो ट्रेड करने वाली व्यापारियों के साथ ट्रेड कर सके। बोलो यहां तक बात क्लियर है। अब मैं थोड़ा साइड होता हूं, अगर आप इसे नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। अब मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज वाली चीज बताता हूं। जैसे आपने सुना होगा स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह होती है जहां पर शेयर्स की खरीद और बेच की जाती है, जहां पर शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है उस जगह को बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, यानी स्टॉक मार्केट भी उसे बोला जाता है। अब क्या हो गया है, हमारी इंडिया में जैसे 29 स्टेट्स हैं तो हर स्टेट का अपना एक स्टॉक मार्केट है, जैसे न्यू दिल्ली का स्टॉक मार्केट है, मुंबई का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, तो इसी तरीके से 29 स्टेट के 29 स्टॉक मार्केट है। लेकिन जानते हो ट्रेडिंग सिर्फ दो स्टेट पर की जाती है, वो कौन कौन सी, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और एक होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आपने नाम तो सुना ही होगा न्यूज में,
NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन दो पर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग की आती है, बाकी सब नाम के है और ये कह सकते हो कि एक तरह से बंद पड़े हैं। सिर्फ दो ही जगह ट्रेडिंग होती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब जब इसमें हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे पास ट्रेड करने के दो तरीके हैं, या तो हम पैसा निफ्टी में लगाएं, आपने सुना होगा निफ्टी, या फिर हम पैसा सेंसेक्स में लगाएं, SENSEX सेंसेक्स। क्या होता है निफ्टी और सेंसेक्स? निफ्टी टॉप 50 कंपनियों के शेयर्स को खरीदने और बेचने का काम करती है, कितनी? टॉप 50 कंपनीज। और सेंसेक्स हमेशा टॉप 30 कंपनीज का को उठाती है, यानी इंडिया की जितनी भी टॉप 30 कंपनीज होंगी वो कहां लिस्टेड होंगी? सेंसेक्स में। और टॉप 50 कंपनी कहां लिस्टेड होंगी? निफ्टी में। तो आप एक चीज समझ गए हो कि निफ्टी के अंदर टॉप 50 में से जो टॉप 30 होगी वो तो सेम होगी जो सेंसेक्स में भी है, एक्स्ट्रा 20 और आगे होंगी निफ्टी में। लेकिन यहां पे रजिस्टर्ड होने के लिए आपकी एक वर्दीनेस का होना बहुत जरूरी है, आपकी हेल्दी वर्दीनेस का होना जरूरी है, तभी आप यहां पर रजिस्टर्ड हो सकते हो। तो कहने का मतलब ये कि जब भी आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदोगे और बेचोगे तो आपको सेंसेक्स या निफ्टी वाली कंपनियों में ही शेयर की खरीद और बेच करनी पड़ेगी। और वो कौन से ट्रेड हाउस के थ्रू करनी पड़ेगी? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बोलो यहां तक बात क्लियर है? तो गाइस आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो गाइस अगर आप में से किसी को बिजनेस स्टडीज के नोट्स चाहिए तो प्लीज अपनी मेल आईडी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आपका सलूशन 24 आवर और नोट्स 24 आवर के अंदर मिल जाएंगे। सो गाइस आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए पीस आउट।